गाइस ये है जंगल के खेला, ये बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं। तो यहाँ पर काला काला बीच ना वो खा नहीं सकते हैं, ये खाने से लेटरिन अटक जाएगा। काफी मीठा आते हैं बड़ा शुगर की तरह। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से और एक नए वीडियो पर। तो अभी चलते हैं हम लोग गांव की तरफ, नहीं जाएंगे जंगल की तरफ, खेती में जाएंगे तो वहाँ पर लेके जाएंगे भाई साहब। और मच्छरों से और जहरीले वाला कीड़ों से बचने के लिए लिए हैं ओडोमोस वाला, तो कीड़ा होता ना मच्छर होता है इसलिए। तो बिटुल भाई को लेकर जाकर खेती एक्सप्लोर कर देगा। हाँ हाँ, तो ये होता है पूरा लोकल ट्राइबल स्टाइल। मुद्रम होता है ना, नहीं आप लोग का गांव ये अमृत मुद्रम, मुद्रम नहीं समझा? अमृत हाँ होता है, मुद्रम नहीं समझा? ना ना, तो यहाँ पे खतरनाक। हाँ हाँ, अमृत तो होते ही है। तो ये देखिए गैस कैसे बांधा है, ये यहाँ पर पूरा लकड़ी का अंदर पे डाल के, हाँ पूरा लोकल स्टाइल कहते हैं। और यहाँ पर ना मैं कुछ दिन रहने से या आप दान करने से मैं पतला हो जाऊंगा, यानी कि मेरा पेट का हवा निकल जाएगा। हाँ कोई चिकन बना रहा है, लोकल चिकन। हाँ ना, अभी चलते हैं इस तरफ। तो ये लगा गांव पूरा पहाड़ के सोटी पे है, चलिए इसे देना। और हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो हम लोग ना पहुँचते पहुँचते रात हो भी हो सकता है ना, तो कोई बात नहीं, टॉर्च लेके आया ना? हाँ टॉर्च भी लेके आया, और प्लस टॉर्च नहीं लिया, नहीं लिया बस मोबाइल की लाइट हो जाएगा ना यार सामने में। हाँ मेरा पास एक पावर बैंक, इसके पास भी एक पावर बैंक। वो पहले बार देखने वाला है, हम लोग का जूम फील है ना, कभी भी नहीं देखा इसलिए जा रहे हैं। तो में पावर बैंक लेके जा रहा है, क्योंकि रात हो सकता है ना एक्चुअली। अरे यहाँ पर ना काफी सारा सांप रहता है, ग्रीन ग्रीन स्नैक ना। अभी तो नहीं है वो सीजन, अभी पका नहीं है, वो बारिश होने के लिए ना, रेनी सीजन में आ जाएगा वो। बहुत जर्नी होता है, ऐसा ऐसा हो जाता है। ओ, ऐसा मार देते ना, डेंजर है। और ये पहाड़ का नीचे, और ये रोड अभी तक बना नहीं, तो ये सरकार की तरफ से सैंक्शन हो सकते हैं, तो उसके बाद मजा आएगा यहाँ पर आने के लिए, घूमने के लिए। और मैं यहाँ पर हर साल आने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मोनू भाई हम और मैं जाते हैं झारखंड में हर साल, और यहाँ पर भी हर साल आने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ही दिन में पहुँच जाता है हमारा गांव और यहाँ पर नागालैंड है ना। आराम, हाँ आराम से। तो वो वाला खाते हैं आप लोग, वो वाला जुल रहा है, वो वाला, वो वाला फ्लावर। हाँ हाँ आम लोग खाता है, उसका सब्जी बहुत बढ़िया होता है वो। ओ, हाँ हाँ कभी भी ट्राई नहीं किया। अरे यार ट्राई करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया है, इसका रेसिपी का वीडियो मेरा चैनल में है, कल परसों आ जाएगा। लेकिन अभी इसका सीजन चला गया। हाँ हाँ, वो भी बहुत बढ़िया होता है, पूरा चटनी बनाकर खा सकता है। पत्ता पत्ता इधर 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 भी है क्या? हाँ इधर भी गाँव है ना, इधर गाँव नहीं है वो, सब खेती वाला है। खेती वाला उधर जाना है वो, उधर काफी दूर में इस तरफ। हाँ इस तरह ओके, आपका खेत उधर में? हाँ बहुत दूर नहीं, यहाँ सामने में है वो। ओके ओके ठीक है, केला का फूल मिलेगा ना, 10 मिनट में पहुँच जाएगा। ओके ओके ओके, वाह। तो यहाँ पर पहाड़ को फिनिश करके यहाँ पर भी खेती स्टार्ट कर दिया। हाँ काफी सारे। तो भाई ये सब फ्रस के फ्रस रिजर्व के अंदर में आता है क्या? ना नहीं आता है। क्या बोला? फ्रस रिजर्व के अंदर में कुछ बोलता नहीं ना। फॉरेस्ट का अलग होता है, तो ये गांव वाले का अलग होता है। आंटी जी बहुत मेहनत कुरिया से, कष्ट कुरिया से। ओ ठीक है, ठीक है। नागामिस और आसामिस मतलब सिमिलर है, तो ना मुझे ठीक ढंग से आसामिस बोलने आता है, ना नागामिस बोलने के लिए आते हैं मुझे, तो कुछ भी नहीं आता है। फिर नहीं ना इतना नागामिस आसामिस मिक्सर करके, तो हम लोग का दूसरा वर्षन होता है, हम लोग चकमा भी मिक्स होता है ना। रूपा में आप लोग सेम है ना? हाँ सेम ही है, सेम क्लास का। और यहाँ पर काफ़ी सारे बेम्बो है, बेम्बो सब भी मिल सकता है इधर पे। यहाँ पर भी आंटी जी काम करके आ रहा है, क्या ना क्या आंटी बहाल ना है। हाँ इतना मेहनत करते हैं पहाड़ पे, खेती करते हैं ना, चीर पार के जंगल से आते रहते हैं। खेती तो आप लोगों को दिखा देगा, आपको दिखा देगा। अरुणाचल में तो ऐसा नहीं होता है ना आप लोग ना? हाँ हम लोग का तो प्लेन होता है, प्लेन प्लेन है ना। हाँ पूरा प्लेन होता है। जूम कल्टीवेशन करते हैं ना? नहीं करते आप लोग? करते हैं, इतने कम करते हैं, पानी का ज्यादा करते हैं। तो फिर ऐसा बीजन सीजन वाला कैसा लगा था? राजा मरचा ऐसा बैगन बाइकॉन वो हम लोग खेत करते हैं, खेत इस तरह। अच्छा अच्छा, ऑर्गेनिक ना उधर में भी? ऑर्गेनिक तो है, लेकिन वो जंगल सफाई करने के लिए दवा मरते हैं हम लोग।
इसके लिए ऑर्गेनिक पानी पाते हैं। तो हमारे वहाँ का मिट्टी ना इससे भी मतलब बढ़िया रहते हैं, उपजाऊ खाला होते हैं। तो एक महीने के अंदर में इतना बड़ा बड़ा जंगल हो जाएगा। आप लोग का जगह में फ्लॉक होता है ना, नहीं वाटर फ्लॉक मतलब पानी फ्लॉक हो जाता है ना, कभी कभी पानी बारिश ना कभी कभी होता है, कभी कभी होता है तो बारिश के कारण नदी का नहीं। घर पूरा बंद कर देते हैं? नहीं, हमारे गाँव से काफी दूर होता है वो। कौन सा नदी सबसे बड़ा है अरुणाचल में? है काफी सारा नदी है तो मैं गया नहीं। तो कहाँ पे? हाँ, ब्रह्मपुत्र हमारे गांव का पास ही है। पास में है क्या? हाँ, ब्रह्मपुत्र दिहिंग रिवार, ब्रह्मपुत्र रिवार, सियांग रिवार, काफी काफी बढ़िया बड़ा बड़ा रिवार है। तो हम लोग का जगह में तो फ्लॉट होने के चांसेस बहुत। हाँ हाँ हाँ, बारिश नहीं से प्रॉब्लम चल रहा है। किसका तेरा ना खेत? नहीं नहीं, मेरा नहीं है वो। बारिश आने से ना पूरा खुशी से निकलेगा वो। इतना खुशी धान लगा दिया ना? हाँ धान लगा दिया। ओ आपका खेत इस तरफ ना? हाँ, मेरा उधर ये तो नीम का पेड़ बहुत है। वो इसे किसके लिए लगा? नीम का पेड़ लकड़ी के लिए ना, बेचने के लिए? इतना जल्दी काट लेते हैं ना, ऐसा ऐसा आ जाता है उसका। तो बेस्ट आया ना? हाँ, प्राइस भी बहुत बहुत अच्छा है। सेफ्टी तो 400 मिल जाते हैं। अच्छा ब्लेम ब्रेड होने से तो पैसा है, इससे तो पैसा है माला माल है वो सब। हाँ, जिसके पास जमीन है और मेहनत करेगा तो उसका तो पैसा बनना है। हाँ, लोग ना और अभी चलता है इस तरफ। टाइम टाइम में सफाई करना चाहिए हम लोग, नहीं तो मर जाते हैं वो खुद। ओके, अभी बड़ा होने का कोई बात नहीं ना? अभी बहुत ज्यादा निकल रहा है ना, लेकिन हम लोग सफाई नहीं करेंगे तो बाद में मर जाएंगे। ओके ओके। और ये आप लोग का खेती ना? ये हुई। ओके, खेती इतना दूर आ चुके हैं वो, पहाड़ से उतर चुके हैं। अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ तो जाते समय ना पूरा हालत खराब हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर रहते घर बन रहा है और मुझे लाने वाला दोस्त वही है जो वो कोहिमा तक गया था। हाँ, कोहिमा से लेके आया था मुझे पिकअप करके। पानी है? पानी है असे तो। ओके, तमिल? ना ना, तमिल तरी माँ तिरिया ना नल्ला रिके सुपर है कि मच्छा। वाह, तमिल ही बोलता है भाई। यार खेत इसको ना सफाई करने के लिए बहुत मेहनत लगता है यार, तो मेहनत का फल मिलता था। वहाँ पर है वो तमिल के फिर ना, सुपारी का फिर उसमें। तो हमारे वहाँ पर बहुत हैंडसम होता है, तो यहाँ पर इतना हैंडसम नहीं होता है सुपारी का फिर। उस दिन तो मुझे लेने के लिए गया था पूरा हीरो, अभी तो पूरा गांव में पूरा मेहनत कर रहा है। और यार रिमोट एरिया जंगल में लोग काफी मेहनत करते हैं, उसी में कॉफी बना के पी रहे हैं ना कॉफी। और ऐसे जगह पर रहते हैं ये बस टेम्पोरी के लिए, तो यहाँ पर खेती करते हैं। और यहाँ पर उस दिन मुझे लेने के लिए गया था ये बाइक, तो यहाँ पर एक तो बना रहे हैं घर उसके लिए। तो यहाँ पर क्या रखा है? चिकन रखा गया यहाँ पर? हाँ, चिकन रखा गया। हाँ, ओ यहाँ पर अपनी रहेगा। बढ़िया, लकड़ी का इंजीनियर हो? इंजीनियर वाह, इंजीनियरिंग खत्म। दो मंजिला बना रहा है, लकड़ी का इंजीनियर है। नीम का लकड़ी से बन रहा है और पता नहीं क्या लकड़ी है उससे। बाइक का माई पिताजी यहाँ से पानी पीते हैं, यहाँ से कुआ से फ्रेश है। और यहाँ पर रहता है किनारे में। और ये से बाइक का बाइक, ये आपका पिताजी तो जवान है ना, पूरा जवान जवान है ना, इतना लोग अभी भी जवान है। हाँ, चेहरा तो थोड़ा मिलता है ना मेरा जैसा ना, ऑलप सोलप मिले ऐसे ना चेहरा तू मिले ऐसे। ओ, तो कोई आसू। हाँ, और इसी में रहता है ना। हाँ, इधर में बंदर वंदर नहीं है ना? बंदर नहीं है यहाँ पे। ये किसके लिए रखा है? पाइनएप्पल को प्रदर्शन के लिए। यहाँ सगली उधर में बकरी भी है यहाँ पर, बकरी। तो यहाँ पर ना सुपारी इतना बढ़िया से नहीं होते हैं। ये है मतनवा से बाइक का मतनवा। मतनवा कहा चाहते हो? मतनवा ए मतन, बढ़िया मतन हुआ। सो अभी तरह खेत को एक्सप्लोर करते हैं।
चलते हैं इस तरफ। मतन हुआ मतन है मतन इस तरफ चलते हैं। तो भाई साहब आगे जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे। तो यहाँ पर तो हम लोग काफ़ी सारे जंगल का चीज़ दिखाता है, तो ये लोग तो इतना पहचानता नहीं और लेट करके आ गया ना। अगर हम लोग दिन पे जाता तो काफ़ी सारे चीज़ें हम लोग को दिखा देने को मिलता यहाँ पर तो अंदर पे ही। जंगल का मशरूम मिलेगा यहाँ पर। तो गाइस वहाँ पर ना जंगली केला पक गया, अभी उसको गिरा देगा। तो जंगल के केला टेस्टिंग करते हैं गाइस। और यहाँ पर जारू काफी है। अरे तो आप लोग ये खाते हैं ओ भाई? अरे इसका सब्जी, ये वाला इसका सब्जी खाते हैं। इसका सब्जी नहीं, वो तो नहीं खाते हैं ना। इतना बढ़िया सब्जी है ये, किसे खाता है? अरे यार मैं खिलाऊंगा यार बना के। वो क्या, कैसे बनाएगा? तो खा जाएंगे हम लोग ना। अभी कैसे बनाएगा? नहीं इसको काट के निकल काट के लेके आते हैं और उसको अंदर में वो मिलता है नरम नरम वाला, उसको निकाल के खाता है। बहुत बढ़िया है, हम लोग इसे तिलेजी बोलते हैं। 50 रुपए में सिर्फ 3 पीस सर्विस मिलता है, बहुत महंगा चीज है ये। हाँ खाता है यार सही में, पहले बार सुना मैंने तो। अरे यार काफी सारा खाने का सब्जी यहाँ पर जंगल पे है, लेकिन आप लोग को आप लोग तो पसंद नहीं ना। कोई तो खाता होगा यहाँ गांव में भी, लेकिन हम तो पहले सुना है। ओ तो आपको आइडिया नहीं है ना। ये कांटे होते हैं तो उसका रेसिपी बहुत बढ़िया होता है। तो अभी खाते हैं जंगल की। हम लोग का दो ना दो कोलफुल चीज, दो कोल बनाना ट्री, तो दो चीज है। एक तो खाने वाला है, एक तो नहीं खाने वाला है। वो तो खाने वाला नहीं है, वो घास खाने वाला है। वो पता नरम हुआ ना, हाँ हाँ, वो खाने वाला चीज है। यहाँ पे फूल खा सकते हैं। हम लोग कुछ बनाता है ना ऐसा, मणिपुर लोग का माल क्या 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 होता है, अरुम्बा, इससे अरुम्बा बनाते हैं ना हम लोग। अरुम्बा तो इससे बनाते हैं हम दोनों, वो ले जाकर खाने खा सकते हैं। वो ये वो ले जाकर चटनी बनाएगा हम दोनों, खा लेगा आराम से। नहीं नहीं ये वाला खा नहीं सकता है, ठीक है? ये क्योंकि ऊपर का हिस्सा वो अच्छा नहीं होता है, नीचे का हिस्सा खाते हैं। इतना अच्छा नहीं होता ये चीज़, ऊपर का है सबसे बेस्ट रहता नीचे का। नीचोला में हाँ, हाँ। लेकिन मैं ऐसा आपको ऐसा दिखा रहा हूँ, हाँ नीचे का बेस्ट रहता है। तो वहाँ पर केला पक गया ना, तो वो अभी कैसे जाएंगे, तो रास्ता तो है नहीं। इसका सब्जी बहुत बढ़िया होता है, हम लोग इसे थीडीवीजी बोलते हैं। थीडीवीजी केला तो पक गया, वो केला तो खाने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन खाता है वो, खा भी खाता है, लेकिन गुटी बहुत ज़्यादा होता है उसका, फिर भी टेस्टिंग करेगा। ठीक है अभी वो केला खाएंगे, जंगल का केला गाइस, तो बहुत ऊँचा होता है ना। और इसका सब्जी ना बहुत बढ़िया होता है, ये चीज बहुत पॉपुलर होता है हमारे वहाँ पर। तो काश हम लोग दिन पर आता ना, इसका सब वो काट के लेके आता सब्जी बनाने के लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया है गाइस। अभी जा रहा भाई साहब, अभी घुसते अंदर में। और मुझे तो और यहाँ पर ना फिर से 2-3 दिन रहने का मन कर रहा है, ये पूरा जंगल एक्सप्लोर करने के लिए, इस भाई साहब को सिखाने के लिए क्या क्या खा सकते हैं। वो चीज काफ़ी सारे यहाँ पर कीमती कीमती सब्जी नज़र आ रहा है, और कोचू के पौधा भी होते हैं यहाँ पर। तो ये लोग बोलता है कभी नहीं खाता हम लोग, और कैसे खाते हैं आइडिया भी नहीं है। और जंगल की केला की पेड़ को उसमें कटिंग कर रहे हैं और खा देंगे। वाह भाई फिनिश कर रहे हैं, हो गया हो गया हो गया, फिनिश या गिरा दिया फाइनली। और अभी हम लोग खाएंगे केला, क्योंकि पक गया है और अंदर पे ना काफ़ी बीज होते हैं, फिर भी खाते हैं जंगल की केला गाइस। तो भाई संभल के ना, थोड़ा लाल लाल हो गया, पक गया, मिल गया। हाँ अस्पताल लोग, हाँ हाँ दो तो हमको तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ओके ओके बढ़िया है। उसका गुटी बहुत ज़्यादा होता है ना, जंगल का खेला मीठा। जंगल का खेला गाइस बहुत बढ़िया है। और ये खेला के पूछ लगता के बांदर के पूछ बहुत बढ़िया है यार, बहुत मीठा है। जंगल के खेला आया और भी वहाँ पर लगा हुआ है, पता रहा मंकी हम दोनों तो आज जंगल में घूम कर
मंकी स्क्वायरल सब सभी लोग का दाना खा लिया हम वहाँ पर भी है कहाँ पे वहाँ पर पीछे सीधा इसका उसी में पक रहा है क्या पक गया सेम कहाँ पे वो ये इसमें यहाँ पर वहाँ देखा क्या हाँ मैंने नहीं देखा ये तो देख लिया देखा हाँ वहाँ पे भी है कितना खा लो खा लो लेकिन इसका बीस नहीं खा बीस कहाँ से खा नहीं पाएगा तो ये है नागालैंड का जंगल का केला। तो हमारे वहाँ पर भी होते हैं तो यहाँ पर पका हुआ वाला मिल गया और गैस ये वाला ज़्यादा मत खाना तो खा सकता है लेकिन इसका बीस मत खाना और हाँकते समय बहुत मुश्किल होते हैं इसलिए तो लेटरिन मतलब वो अच्छी अटकता है इसलिए ये खाना नहीं चाहिए इसका बीस। तो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे खाते हैं गाइस। ये है जंगल के खेला जो बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं तो यहाँ पर काला काला बीच ना वो खा नहीं सकते हैं ये खाने से लेटरिन अटक जाएगा। काफी मीठा आते हैं शुगर की तरह बहुत मीठा शुगर की तरह है ना खाता रहा मंकी। तो इसे बंदर लोग खाते हैं स्क्वायरल लोग खाते हैं गिलहरी तो गिलहरी का खाना हम लोग छीन दिया ना जंगल के एक लोग भी खाते हैं पक्षी लोग भी खाते हैं तो उन लोग का खाना हम लोग छीन दिया। हाँ हम तो ना आज रात पूरा परिवार लेकिन छीन कर खाया ना कुछ छीन नहीं है वो वहाँ पर गया पक गया उसमें फिटे में गया खाएगा क्या हो गया बस कल परसों आकर खाएगा ना ठीक है। सो दोस्तों धीरे धीरे करके रात होने लगा और अभी यहाँ से चले जाते हैं काफ़ी सारा यहाँ पर ना खाने का चीज़ें है क्योंकि हम लोग ना बचपन से ही जंगल पे ही पले बड़े हुए हैं ना इसलिए हम लोग को पता होता है क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है। तो हो सके तो कल हम लोग दिन को आ जाएंगे दिन को आके ही एक्सप्लोर करेंगे। तो गैस अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके बताना कि जंगल ट्रिप या जंगल एक्सप्लोर वाला वीडियो चाहिए बोल के कमेंट करेंगे तो मोर देन 100 जंगल का वीडियो वाला एक्सप्लोर वाला तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर। अरे इधर भी काफ़ी है यार फिर भी यहाँ के लोग खाता नहीं है शायद कुछ लोग खाते होंगे और अरुणाचल में लोग बहुत खाते हैं इसी ये बोला हम लोग कहते हैं चिदी जी हम लोग ये खाते हैं बढ़िया है ये इसका इससे भी छतनी बना के खा सकते आराम से ये बोला मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही जंगली आदमी हूँ ये भी जंगल का आदमी इसको आइडिया नहीं इतना लेकिन कोई कौन सा वाला है वो पटना कभी भी नहीं खाया ये खा के दिखिए इसको छील के आम की तरह होता है खाता है हाँ बढ़िया है मस्त है ना मस्त है मस्त है। इसके साथ में ना ड्राई फिश के साथ बहुत बढ़िया होता है बढ़िया है मजा ओ ये भाई अपना खेत को घुमाया यहाँ पर अरे इसमें तो कुआ भी है पानी वाला पानी निकल रहा है वहाँ पर हाँ हाँ तो इधर शॉर्टकट जा सकता है ना शॉर्टकट जा नहीं सकता है ओके तो यहाँ पर काफ़ी सारा ना खाने का रिसोर्स है बहुत है तो ये लोग का जानकारी नहीं है बिम्बो शॉट है और अगर मोर देन 100 कमेंट आ गया तो जंगल है नागालैंड जंगल एक्सप्लोर करके तो मैं भाई साहब के पास साथ जाऊंगा जंगल एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ धान निकल रहा है उस दिन मुनवा भी यहाँ पर आके हेल्प किया है धान लगाई का लंबा लंबा हो गया तो बारिश होगा तो निकल जाएगा तो ओके और अभी यहाँ से जाना पड़ेगा तो यहाँ पर बात करते करते ना टाइम ही निकल गया। काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ का वो ट्राइब्स लोग और बहुत ईमानदार रहते हैं गांव के लोग और शहर का लोग को विश्वास इतना तो नहीं करना चाहिए तो गांव के लोगों को ना विश्वास करना चाहिए पूरा ईमानदार। अभी जाएंगे वो पहाड़ पे चढ़ेंगे तो पहाड़ के सबसे ऊपर वहां पर छोटी ना क्या बोलते हैं हिल में टॉप हिल में तो वहां पर ही होता है गांव ये लोग का गाँव। काफ़ी सारे कीड़ा मकोड़ा आ रहे हैं कीड़ा अभी चलते हैं मेरा पेट चुता हो जाएगा जाते जाते
रेगुलर में एक हफ्ता तक जाएंगे तो लगता है ये भी पानी जा रहा लेने के लिए नदी की तरफ पे। सो हम लोग आगे पहुंच चुके हैं, थक गए हैं, ये आ गया, आ गया पूरा थक गए हैं, पसीना छूट गया। लगभग होगा 3-4 किलोमीटर पहाड़ के डिस्टेंस यहाँ से नीचे खेत पे। पसीना छूट गया ना इसका भी, पूरा पसीना हो गया। तेरा फैमिली पैक निकल रहा है ना? हाँ फैमिली पैक अभी 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 चले गया, लेकिन सिक्स पैक निकलेगा। अभी हो तेरा गर्लफ्रेंड का कॉल मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, धोखा दिया होगा ना? किसने धोखा दिया? गर्लफ्रेंड तो अभी तो कॉल नहीं करेगा। कहाँ गया? जीप लगा दिया है। ऐसा है, ठीक है, लगा दे, बढ़िया, चाबी लगा। लड़के का पीछे मत भागो, सक्सेस का पीछे भागो, पैसा का पीछे भागो, लड़के ऑथेंटिक आ जाएंगे ना, है कि नहीं? बोल वाह वाह मुन्नू भाई, वाह वाह वाह। ओ इसके साथ बैठा हुआ बल्कि दोपहर से सुबह से ऐसे ही आसपास में बैठे रहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है ना? हाँ इसलिए मैं भी कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा इसलिए प्लीज उसके लिए प्रे कीजिए आप लोग भी। हम लोग भी सभी मिलकर आप लोग के लिए प्रे में दुआ में याद रखेगा। वो अभी टेबलेट कोर्स कर रहा है, इसलिए प्लीज उसको भी प्रार्थना में याद कर दीजिए। अभी हम लोग आ चुके हैं और दुकान पे जा रहा ना? हाँ दुकान जाएगा, अंडुआ लेगा, अंडुआ लाइट नहीं इसलिए बंद किया होगा। वाह मुनुगा क्या बन रहा है? एक बुर्जी चिक्का, चिक्का अंडा बुर्जी, एक बुर्जी बोलते ना। वैसे तो बनाया तो सेट लगाने हैं, लेकिन ठंडा हो गया था तो मैं गरम कर दे रहा हूँ। ओके ओके, कि मुझे लगा कि मुर्गा ने बनाया। झारखंड में बनाया, वो लोग इतना दबाया, अभी ये लोग कितना खाएगा नागा स्टाइल से, अभी हम भी खिलाएगा अरुणाचल स्टाइल से बैम्बू सूट के साथ। ये कैसे दृश्य हो? इस वाइट पतियाला मैंने बहुत अच्छा काम किया। ओके ओके, ये एक बुर्जी, ये आलू तेल वाला, और ये चिकन हुआ तो फिनिश कर दीजिए। यस मैं भी फिनिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर बिस्तर लगा दिया, मुन्नू भाई भी खाना खा चुके हैं अभी। हाँ मुन्नू भाई का थोड़ा तबियत खराब है ना, अभी कैसा होगा? अभी थोड़ा सा पिल लेने के बाद अच्छा लग रहा है। ओके ओके, आई होप ठीक हो जाए बहुत जल्दी ना। ओके, और अभी तो यहाँ पर ना वो ठंडा है, लगभग 22-23 समथिंग है टेम्परेचर यहाँ का, क्योंकि पहाड़ का बीच में है ना, काफ़ी जंगल है, इसलिए पंखा थंका कैसे कोई ज़रूरी नहीं होते हैं। और वीडियो भी बहुत लंबा हो रहे हैं, तो आज के वीडियो को अभी फिनिश करते हैं, तो मिलेंगे कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, और गुड नाइट, बढ़िया से रहना, बर्फीत खाना खाना, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहा है और काफ़ी सपोर्ट आ रहा है नागालैंड नागा कम्युनिटी की तरफ से, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। बाय और गुड नाइट, अभी आराम करके सोएंगे।